नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेत्रा के इतिहास की। पेत्रा जॉर्डन के महान राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और पानी वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6 शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। पेट्रा अपनी विचित्र वास्तुकला के लिए दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यहाँ तरह तरह की इमारतें हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और सब पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। इसमें 138 फीट ऊंचा मंदिर, नहरें, पानी के तालाब तथा खुला स्टेडियम है। पेट्रा जॉर्डन के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उसकी कमाई का जरिया है। पेट्रा पर्यटन के लिहाज से जॉर्डन के लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। पेत्रा एक होर नामक पहाड़ की ढलान पर बना हुआ है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्वी सीमा पर है। पेत्रा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर होने का दर्जा प्राप्त है। बीबीसी ने अपनी मरने से पहले 40 देखने योग्य स्थान में पेत्रा को भी शामिल किया हुआ है। जॉर्डन जैसा देश अपनी धरोहर के विश्व आश्चर्य चुने जाने से प्रसन्न है क्योंकि पड़ोस के इराक तथा अन्य देशों में अशांति से जॉर्डन में सैलानियों का आना कम हो गया है। पेट्रा का निर्माण होने की सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। यह शहर नाबतियन साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित होना शुरू हुआ था। बाद में 106 ईस्वी में यह रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया, लेकिन 363 ईस्वी में एक बड़े भूकंप ने शहर के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। उस समय पेट्रा रेशम और मसाला व्यापार के रास्तों के लिए एक प्रमुख जंक्शन था। 6 शताब्दी में मुसलमानों ने पेट्रा पर जीत हासिल कर ली थी। 1189 ईस्वी के दौरान मुस्लिम शासक सुल्तान सलादीन के जीतने के बाद ईसाइयों ने पेट्रा को छोड़ दिया था। पेट्रा दुनिया की सबसे पुराने महानगरों में से एक है जो कभी पैलेस्टीना के बेजांटिन प्रांत की राजधानी थी। कई सालों तक यह शहर खोया हुआ शहर रहा, लेकिन 1812 में पेट्रा की खोज एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविक बर्खार्ट ने की। पेट्रा की प्राचीन संरचना के महत्व की वजह से इसको साल 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था, जिसे 2007 में विश्व के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया है। अगर बात करें यहाँ की वास्तुकला की, पेट्रा के खंडहर दुनिया के सबसे पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसकी वास्तुकला लोगों को चकित करती है। यहाँ आधा चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अब तक पेट्रा के 15% भाग की खोज की गई है और 85% अभी भी भूमिगत है। पेट्रा लाल चोटियों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। रोज रेड रंग की बलुआ पत्थर की पहाड़ियों की वजह से रोज सिटी भी कहा जाता है। खोजकर्ताओं के अनुसार नाबतियन ने पेट्रा शहर निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया था। यह कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। नाबतियन का शासनकाल में पेट्रा की जनसंख्या 20,000 से अधिक थी। पेट्रा के आसपास की जगह में 265 वर्ग मीटर में एक पुरातत्व पार्क भी है। पेट्रा हर साल लगभग 8 मिलियन पर्यटक देखने आते हैं। यह जॉर्डन की प्राचीन शहर पेट्रावाड़ी मूसा में है। यहाँ से पेट्रा करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पेट्रा की नज़दीकी हवाई अड्डा अम्मान है। फिर अम्मान से कैब या बस की मदद से सीधे पेट्रा पहुँचा जा सकता है। इस शहर में वाहनों को ले जाना प्रतिबंधित है। हालांकि गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊँट को यहाँ लाया जा सकता है। यह अपने तरह तरह की पत्थर की इमारतों के लिए प्रसिद्ध है जो लाल चट्टानों से बनी हैं। इनमें 138 फुट ऊंचा नक्काशी किया गया मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा नहरें, पानी के तालाब तथा खुला स्टेडियम जिसमें 8,000 लोग बैठते थे जैसी कई चीज़ें हैं। जॉर्डन जैसा देश अपनी धरोहर के विश्व आश्चर्य चुने जाने से प्रसन्न है।
क्योंकि पड़ोस के इराक तथा अन्य देशों में अशांति से जॉर्डन में सैलानियों का आना कम हो गया था। पैतरा एक होर नामक पहाड़ की ढलानी पर बनी हुई है और पहाड़ से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्वी सीमा पर है। पैतरा का नाम एक स्त्री यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है, इसका मतलब होता है चट्टाने। आशा करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।